सर लेकिन हम जब घर में बड़े होते हैं, मान लिया चलिए हम न्यूक्लियस फैमिली में आ गए, कंपटीशन तो हम अपने फादर से ही सीखते हैं कहीं ना कहीं। मतलब एक नई उम्र में चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बाहर हमारे पिताजी जा रहे हैं तो वो हमारी नज़र में तो वही हीरो होते हैं, तो जब हम उनको कम्पीट करते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं वही साइकोलॉजी वही साइकी हमारे अंदर भी आती है। तो हमारे फादर्स कहीं ना कहीं हमारे सामने इमोशंस को दिखाते नहीं, लेकिन महसूस तो सर हो जाता है। आप एक छत के नीचे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप महसूस ना करें। तो क्या वो भी एक कारण बनता है हमें रोकने के लिए कि नहीं, जैसा हमारे पिताजी ने किया शायद हमें भी वही चीज़ कैरी फॉरवर्ड करनी है, क्योंकि हमारी नज़रों में तो वो हीरो है ना। तो क्या उस चीज़ को हमें समझना चाहिए, हमारे फादर को समझना चाहिए? कितनी सही बात कही तुमने। इनफैक्ट एवरी फादर इज यू नो एज दे से एवरी फादर इज हिज सन्स फर्स्ट सुपर हीरो एंड हिज डॉटर्स फर्स्ट लव। तो नो डाउट हमारे यहाँ जो है वो पिक्चरों तक में मूवीज़ तक में बेचारा बाप जो है वो माँ के कंपैरिजन में पीछे छूट गया। हमारे यहाँ जो है वो जो माँ है उसने, और स्पेशली सलीम जावेद, क्योंकि सलीम खान और जावेद अख्तर की जो स्क्रिप्ट्स थी उन्होंने माँ का को एलिवेट कर दिया, क्योंकि दोनों ने ही अपनी माँ को बचपन में खो दिया था और दोनों ही अपनी माँ से दूर रहे थे, और दोनों के ही फादर्स का इम्पैक्ट उन लोगों पर थोड़ा कम और कुछ केसेस में एडवर्स ही रहा था। इस वजह से उन स्क्रिप्ट्स ने हमारे लिए एक ग्रैंड नरेटिव तैयार कर दिया, और उस ग्रैंड नरेटिव की वजह से आज ध्यान से देखा जाए तो हम लोग आज भी माँ को एक ज़्यादा डियर और नियर कॉन्सेप्ट मानते हैं बजाय कि फादर के। अब अगर फादर को देखा जाए तो नमन, मैं तो मानता हूँ कि एज अ मैन भी ना देखूँ, एज अ ह्यूमन भी देखूँ, तो इंसानों में फादर की महत्ता इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जानी चाहिए कि क्योंकि ऑलमोस्ट किसी भी और मैमल में, किसी भी और प्राइमेट में आपको बच्चों की परवरिश में फादर का इन्वॉल्वमेंट इतना मिलेगा ही नहीं जितना ह्यूमन में। मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर सारे मैमल्स प्राइमेट्स में आप पाओगे कि जो माँ है वो बच्चे का ख्याल रखती है, पिता ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट विद सम एक्सेप्शंस है ही नहीं पिक्चर में। यहाँ पिता की मजबूरी देखिए आप कि उसे सब कुछ करना है और बच्चे की पीटीएम में भी आना है, वरना बच्चा आज से 35 साल बाद ये बात याद दिला देगा कि पापा आप पीटीएम में नहीं आते थे। अब ये इंटरेस्टिंगली देखो तो वो फादर जिसको मैं और आप देखते रहे हैं, वो फादर दरअसल उस सोशल साजिश का शिकार होने की वजह से अपने आंसू तो रोक गया, क्योंकि उसे कहा गया कि अगर तुम रोए तो ये मत भूलना कि नाइस गर्ल्स डोंट शाउट एंड ब्रेव बॉयज डोंट क्राई। तो उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से उसको ऐसा देखा तो एक प्रोटोटाइप हमें भी मिल गया, हाँ। एक रोल मॉडल हमें भी मिल गया। पर मुझे अब बदलाव आते हुए दिख रहा है और ये बड़ा अच्छा है कि अब मेन जो हैं वो रोते हैं, सिर्फ बेटी की विदाई के टाइम नहीं रोते हैं, उसके पहले तो जो है वो बाबुल उसी टाइम रोता था, उसके पहले नहीं रोता था, उसके बाद नहीं रोता था, अब एटलीस्ट जो है वो ज़्यादा रो रहा है और इसीलिए शायद ज़्यादा जो है वो ज़्यादा साल तक जी रहा है और कम हार्ट अटैक्स आ रहा है। हार्ट अटैक्स तो सर ये तो एक अच्छी बात होगी, मतलब हमको अपने घर में एक रोल मॉडल देखने को मिल जाएगा कि अगर आप इमोशनल हो तो आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं तो पहले हम देखते थे कि वो एक डिप्रेसिव माहौल हो जाता था। और मतलब जैसे हम इस एज तक पहुँचे, कहीं ना कहीं हमने भी हमारे फादर को देखा मतलब कि भाई वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, किस तरीके से वो हमको ट्रीट करते हैं, हमें गलत लगता था। आज की तारीख में वो सब चीज़ें सही लगती हैं कि नहीं, शायद उन चीज़ों के कारण आज हम सही रास्ते पर हैं। तो ये जो इमोशनल वाला एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलता रहता है, वो भी इवेंचुअली हमें हेल्प ही करने वाला है। तो ऐसे में पेरेंटिंग आज की जनरेशन को शायद और अच्छे से करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये सब चीज़ें थोड़ी और नॉर्मलाइज होंगी एंड इवेंचुअली हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे और आगे आने वाले समय में उस चीज़ को और अच्छे से मतलब कैरी फॉरवर्ड भी कर पाएंगे, अपने आने वाली जनरेशन को दे पाएंगे। क्योंकि मैन मेंटल हेल्थ अगर शुरू हो गया है तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। बिल्कुल। अच्छा सर एक चीज़ और है, आप वुमेन एम्पावरमेंट और मैन मेंटल हेल्थ का जो इशू चल रहा है, इन दोनों में से आप किस चीज़ को क्या मानते हैं, मतलब क्या कहना है आपका इन दोनों चीज़ों के बारे में? क्योंकि एक बहुत बड़ी सोसाइटी है फेमिनिस्ट की हम कह सकते हैं, उनका ये कहना है कि ये जो मैन मेंटल हेल्थ का जो पूरा किस्सा है ये शुरू ही इसलिए किया गया है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट या फिर फेमिनिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल महिलाओं को लेकर बात कर रही हैं, तो इसीलिए आदमियों के लिए अब ये बात शुरू कर दी गई है। क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं सर दिल तोड़ती है, क्योंकि बातें सही हैं लेकिन आप एक्नॉलेज क्यों नहीं करना चाह रहे? खैर इस पर मेरा जो नज़रिया है वो ज़्यादा बैलेंस्ड है, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि मैं मैन और वुमेन को इक्वल मानता हूँ पर सेम नहीं, यानी वो अलग हैं। मैन मैन है, वुमन वुमन है,
वो बराबर है पर समान नहीं है, और इसीलिए मैन का वुमन की तरह होना और वुमन का मैन की तरह होना ये ख्याल ही मेरे हिसाब से थोड़ा अहमकाना है। पर हाँ, मैं समझता हूँ कि कई जगहों पर शायद ये ख्याल कि यू नो विथ सम वेंजियंस या विथ सम यू नो डिज़ायर टू यू नो लेवल थिंग्स अप, शायद मेल डोमिनेंस जो है उसको दूर करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो लाना पड़ा था, और अब वुमेन एम्पावरमेंट को बैलेंस करने के लिए जो है वो शायद मेन मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। मैं इसको ना थोड़ा सा प्रोपेगेंडा ही मानता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अब ह्यूमंस की बात हो रही है, अब जेंडर फैक्टर का हाँ वो बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। मुझे लगता है कि अब इंसान फाइनली हो रहे हैं हम, और अब हम मैन और वुमन की नहीं, अब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, और इट इज़ अ वेलकम चेंज। और इसलिए बियॉन्ड एनी प्रोपेगेंडा आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम यू नो ट्रेंड।